बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये 34 आइडेंटिटी 34 क्वेश्चन है, ये मैं रेड पेन में लिख रहा हूँ। इसका मकसद ये P3 के स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर सकते हैं, जो कैम्ब्रिज के P3 के स्टूडेंट्स हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और कॉस 4x dx की। देखिए सबसे पहले तो ये आपको एंगल सबसे पहले बड़ा इधर आना चाहिए, तो ये आप पहले कॉस 4x और साइन 3x dx लिखेंगे इसको। और जितने भी ये प्रोडक्ट के फार्मूले हैं उसमें हमेशा इधर 2 आता है। आप देखें अगर ये फार्मूला अगर आप देख सकते हैं तो इसमें सब में 2 आता है। देखें जो प्रोडक्ट के फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, ये प्रोडक्ट और ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, 2 cos A + B / 2 sin A - B / 2। तो देखें इसको फार्मूले को बेसिकली तो ये है कि अगर ये 2 cos इधर होता है A + B / 2 और sin A - B / 2, तो ये हो जाता है sin A - sin B के। अगर इससे कंपेयर करें पहले तो इधर 2 लाए, आप इधर 2 लाए तो इधर 2 से 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अब इक्वल हो जाएगा। अब ये पूरा हो गया। अब इसके मुताबिक कंपेयर करें तो ये 4x जो है A + B / 2 4x के बराबर है। तो इसका मकसद है कि A + B आ जाता है 8x के, और ये A - B / 2 3x के बराबर है, तो A - B आ जाता है 6x के। देखें अब इसको ऐड करें तो ये 2A आता है 7x के, 14x के, सॉरी, तो A आ जाता है 7x के। A 7x का आ गया तो B हमारा x के आ गया, तो ये फार्मूला भी हो गया sin 7x - sin x के। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/2, और ये इंटीग्रेशन होगी sin 7x - sin x और dx। अब इसकी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी 1/2। देखें प्रोडक्ट को या पावर्स को हमेशा मल्टीपल ऑफ एंगल्स में लेके आए तो हम उसको इंटीग्रेशन की, यही टेक्निक है ट्रिग्नोमेट्री की कि मल्टीपल एंगल्स में लेके आ जाए। अब साइन की इंटीग्रेशन होती है -cos, तो इसकी होगी माइनस, और 7 भी है तो जाएगा -1/7 और cos 7x, और ये माइनस और ये आ जाएगा -cos x और +c, तो ये आ जाएगा -1/14 cos 7x और +1/2 cos x +c। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका क्वेश्चन का। इसको चाहे तो आप 1/2 cos x पहले लिख सकते हैं या इस तरह भी छोड़ दें, ठीक है। ये 34, अब 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन अब P3 का कर सकते हैं बच्चे, 35 ये P3 का भी है। 35 है sin³x और कॉस, मैं इधर sin³x और cos³x की इंटीग्रेशन करूंगा। देखें sin³x dx या cos³x की जो इंटीग्रेशन है वो एक और आसान फॉर्म से भी हो सकती है, जो मैं सब्स्टिट्यूशन जब कराऊंगा तो उस मेथड से करूंगा। लेकिन पहले इसमें जब sin³x हो, देखो sin²x हो तो हम cos²x कंसीडर कर रहे थे, या cos²x हो उसमें तो cos²x, लेकिन जब sin³x या cos³x हो तो sin³x हो तो sin³x कंसीडर किया करें, और cos³x हो तो cos³x कंसीडर किया करें। तो पहले तो मैं आइडेंटिटी प्रूव करूंगा sin³x की, मैं sin³x कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए sin³x को मैं लिख सकता हूँ कि sin²x + x के बराबर है। इसको मैं आगे लेके चलूंगा, ये sin³x, ये देखें आप अगर फार्मूला देखेंगे तो ये sin A + B का जो फार्मूला है वो है sin A cos B + cos A और sin B। इस तरीके से ये आ जाएगा sin²x cos x और +cos x और sin²x, सॉरी cos²x cos²x और sin x के। अच्छा अब आप देखें ये sin³x ही है, ये sin²x का जो फार्मूला होता है 2 sin x cos x और फिर ये cos x, फिर +cos²x का वो फार्मूला जिसमें साइन हो वो होता है 1 - 2 sin²x * sin x। ये सारे फार्मूले इधर हैं, देखें आप इसमें देख सकते हैं, ये देखें ये सारे फार्मूले हैं। देखें मैं दिखा रहा हूँ, साइन ये sin²a का 2 sin a cos है और cos²a का, ये दोनों फार्मूले हैं। अच्छा इस तरीके से ये देखिए, ये था
साइन ए प्लस कास बी, ये वाला फार्मूला भी। तो आपके सारे फार्मूले हैं आपको, तो इसमें देखें कि आपका ये जो है या गया साइन 3x आ जाएगा अभी, यह जाएगा 2 sin x, और यह आता है कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिखूंगा। तो और प्लस ये साइन एक्स, उसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा साइन एक्स -2 sin³x के। ये आइडेंटिटी है, जिस तरह आप आइडेंटिटी पहले प्रूव करके आए साइन 3a की, इस ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में देख सकते हैं मेरी आइडेंटिटी। तो ये 2 sin x -2 sin³x और प्लस साइन एक्स -2 sin³x, तो ये हमारा आ गया साइन 3x। अब 2 sin x, साइन एक्स आ जाएगा 3 sin x -4 sin³x के। जो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए इधर लेके जाओ, तो जाएगा 4 sin³x बराबर आ जाएगा 3 sin x -sin³x के। तो साइन क्यूब एक्स जो है ये आ जाएगा 3/4 sin x -1/4 sin³x के। देखिए अब ये मैंने पावर्स को या इनको मल्टीपल्स में चेंज कर लिया, तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन चाहूँ साइन क्यूब एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, तो ये 3/4 तो बाहर आएगा, बाकी ये साइन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन -1/4 बार, और साइन 3x dx की इंटीग्रेशन, तो ये 3/4 sin x की इंटीग्रेशन होती है -cos x, और -1/4 ये, और ये 3 का 1/3 आएगा, और इस साइन 3x की इंटीग्रेशन होगी -cos 3x और प्लस सी। तो ये आ जाएगा -3/4 cos x और माइनस प्लस हो जाएगा 1/12 cos 3x प्लस सी के। तो ये इंटीग्रेशन है हमारी साइन क्यूब एक्स की। इसका एक और मेथड भी होगा जो बहुत आसान मेथड होगा, मैं उसको जो है जो वो टाइप भी दूसरी उसमें करूँगा, पर इस तरह तो यही है। अब दूसरा जो है इसी तरह बिल्कुल मैं कॉस क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करूँगा। देखें कॉस क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन अगर आपको दी जाए कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, तो पहले सबसे पहले आप कॉस 3x को कंसीडर करेंगे, कॉस 3x बराबर हो जाएगा कॉस 2x प्लस एक्स के। तो इसके बाद ये कॉस 3x आ जाएगा इस तरह, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी -sin a sin b, तो आप लिखेंगे कॉस 2x cos x -sin 2x sin x, यानी ये फार्मूला इस्तेमाल किया इधर, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी -sin a sin b, ये फार्मूले आपके लिखे हुए हैं उस पे। उसके बाद ये देखें कॉस 3x बराबर हो जाएगा कॉस 2x का फार्मूला, कॉस 2a बराबर होता है 2 cos² a -1 के। ये भी लिखा हुआ है कॉस 2 के दो फार्मूले, लेकिन वो जो कॉस हो इसमें, तो मैं लिखूंगा ये 2 cos² x -1 into cos x। -sin² x होता है 2 sin x cos x -x। तो ये कॉस 3x हो जाएगा, देखें कॉस 3x बराबर हो जाएगा 2 cos³x -cos x। और ये देखें ये -2 cos x को सेपरेट लिख रहा हूँ, और ये sin² x हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ और -cos² x लिख सकता हूँ। अच्छा अब ये आ जाएगा कॉस 3x, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट चलाऊँ, लेकिन ये आइडेंटिटी किसी भी तरीके से आप प्रूव कर लेंगे, 2 cos³x माइनस ये कॉस एक्स, ये -2, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 cos x और प्लस 2 cos³x। तो ये कॉस 3x आ जाएगा हमारा 4 cos³x -3 cos x के। मुझे कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, ये इधर लेके जाऊंगा और इसको ऐसे लिखता हूँ, 4 cos³x बराबर हो जाएगा कॉस 3x, और ये -3 cos x प्लस 3 cos x हो जाएगा। मुझे सिर्फ कॉस क्यूब एक्स चाहिए, तो देखें कॉस क्यूब एक्स ये जाएगा कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल आ जाएगा 1/4 cos³x के प्लस 3/4 cos x के। अब इसकी मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो कॉस क्यूब एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन जो 1/4 बाहर, और ये कॉस 3x dx की इंटीग्रेशन प्लस 3/4 बाहर, और ये आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन। तो इसकी हो जाएगी 1/4 और 3 का 1/3, कॉस एक्स की साइन साइन होती है, तो साइन 3x
और प्लस ये 3/4 कॉस एक्स की वही साइन एक्स होगी, साइन एक्स प्लस सी के, तो ये आ जाएगा 1/12 साइन 3x और प्लस ये आ जाएगा 3/4 साइन एक्स प्लस सी। तो देखें इस तरीके से कॉस क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन होगी, और कॉस क्यूब एक्स का आप देखें और साइन क्यूब एक्स का भी देखें। इनके और मेथड भी हैं जो बहुत इजी हैं, जो मैं आगे चल के कराऊंगा, लेकिन इधर जो है ना यही मेथड इसमें इस्तेमाल करना था तो हमने यही किया। और दूसरा मेथड भी होगा, क्योंकि कभी कभी इग्नोर कहते हैं प्रूव करें, तो हमें इसी तरीके से ये करना पड़ता है।